नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज़। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। वहीं मंगलवार को बसपा प्रत्याशी जगमोहन सिंह व वार्ड 31 से बसपा के सभासद प्रत्याशी लाला मुनेश कंसल ने उमेश पार्क में जबरदस्त जनसंपर्क किया। उमेश पार्क की जनता ने दोनों प्रत्याशियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। चेयरमैन प्रत्याशी जगमोहन सिंह जी ने कहा कि जो शहर का विकास आज तक पूरा नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। बेटियों की सुरक्षा शिक्षा पर भी कार्य करूंगा। नगर पालिका के माध्यम से निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास करूंगा। एक बार आप सभी अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें और भारी मतों से विजयी बनाएं। बसपा सभासद प्रत्याशी मनीष कंसल ने अपने वक्तव्य में कहा कि क्षेत्र में साफ सफाई, टूटी फूटी सड़कों का निर्माण व तमाम सभी कार्य किए जाएंगे, जिसके कारण अभी तक क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आने वाली 11 मई को नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए व सभासद पद के लिए हाथी के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। कीचड़ से निकल गया हूं, एक रुपए की भी वैल्यू समझता हूं क्या होती है। आज मैं बहन जी के आशीर्वाद से चेयरमैन प्रत्याशी घोषित किया गया हूं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में मोदीनगर के लिए चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में उतारा है। देखिए, मोदीनगर में नाली खड़ंजे तो आम बात है, वृक्षारोपण ये भी आम बात है, जो मोदीनगर में आज तक 30-35 सालों से नहीं हो पाया, जिस पे ध्यान नहीं है, वो शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वच्छता है और सुरक्षा है। आपने देखा होगा चिकित्सा पे या शिक्षा पे कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, सम्मानित साथियों, आज मैं इस पंच से कहना चाहता हूं कि अगर मैं मोदीनगर का चेयरमैन बना तो इन चारों चीजों पर मैं सर्वप्रथम विशेष रूप से कार्य करूंगा। शिक्षा, जगह जगह वार्डों में छोटे छोटे स्कूल खोलने का प्रयास करूंगा। और चिकित्सा में देखिए, कभी भी ना तो इतना हॉस्पिटल खुला है नगर पालिका की तरफ से, जबकि ये सारी चीजें नगर पालिका के अंदर आती हैं। अगर नगर पालिका चाहे तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बिल्कुल काम कर सकता है। आपने कोरोना महामारी में देखा होगा पूरा देश परेशान था, यहां तक कि सिलेंडर भी नहीं मिल पाए थे, डॉक्टर भी नहीं बैठ पा रहे थे, क्योंकि चिकित्सा की बहुत ही कमी है, बहुत ही ज्यादा कमी है। और स्वच्छता की रही बात तो स्वच्छता पे भी अभी 40 साल हो गए नगर पालिका को बने, अभी भी आपने देखा होगा जगह जगह कूड़ेदान भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कितना कूड़ा बिखरा हुआ है, वहां मक्खियां बिखरती रहती है, कितना गंदगी है हमारे। मैं अभी भमपुरी में गया था लास्ट एक महीने पहले, वहां कम से कम 500 मीटर का कूड़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। लड़ने के लिए अब तक आपने जो भी मेंबर देखे होंगे वो पैसे के पर्पज से लड़े, लेकिन पैसे से नहीं, मैं आपको आपका साथ देकर ऐसा दिखाऊंगा जो आपके दरवाजे पे रात को एक आवाज लगाओ और आपका मेंबर आपके दरवाजे पे खड़ा मिले, ये मेरा वादा है। और चेयरमैन साथ से मेरा निवेदन है, जो भी अगर चेयरमैन अगर कोई और भी होगा किसी प्रकार से, तो जब भी चेयरमैन मुनेश ही होगा वहां।